हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक बीसी के बारे में। जो सहकारी बैंक है उससे हम कस्टमर का विड्रॉल करते हैं तो सिर्फ 20,000 ही विड्रॉल कर पाते हैं। उसके बाद में पर डे ट्रांजेक्शन अमाउंट लिमिट एग्जिट आ जाता है कस्टमर का। तो फ्रेंड्स, हम कस्टमर का 40,000 तक पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक अपनानी होगी, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। और फ्रेंड, अभी तक आप हमारे इस जसोल कंप्यूटर चैनल पर नए हैं तो आप हमारा जसोल कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। और फ्रेंड, अभी तक आपने हमारा मोरफो से बैंक बीसी और एसएसओ एक साथ में कैसे चलाते हैं, अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो भी एक बार ज़रूर देखें। और फ्रेंड, हमारे चैनल पर बीसी और एसएसओ रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बीसी में कस्टमर का 40,000 विड्रॉल कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कस्टमर का 20,000 विड्रॉल कर लेना है। जैसे ये विड्रॉल लिखा हुआ आ रहा है तो आपको यहाँ पे जैसे आप हमेशा विड्रॉल करते हो उसी तरीके से विड्रॉल कर लेते हैं। तो मैं आपको विड्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ से 1,000 विड्रॉल करके दिखा लेता हूँ और आप यहाँ से कस्टमर का 20,000 विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाकी वाला अमाउंट आपको फंड ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं आपको 1,000 विड्रॉल करके दिखा लेता हूँ। यहाँ पे आपको अमाउंट टाइप कर देना है, यहाँ पे कितना के नोट दे रहे हो वो टाइप कर देना है, फिर आपको यहाँ से सबमिट कर देना है, फिर आपको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद में आपको एजेंट फिगर अपना खुद का लगा देना है। उसके बाद में आपको कस्टमर का फिंगर लगवाना है। कस्टमर का फिंगर लगाओगे, ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये सक्सेस हो गया है कस्टमर का ट्रांजेक्शन। अब आपको वापस जाना है कस्टमर ट्रांजेक्शन में और आपको यहाँ पे फंड ट्रांसफर ऑप्शन चूज कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, 20,000 आपको विड्रॉल कर लेना है और 20,000 फंड ट्रांसफर करना है। अब फंड ट्रांसफर कैसे होता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको कस्टमर का विड्रॉल करना है तो यहाँ आपको कस्टमर का आधार नंबर डाल देना है। यहाँ से सबमिट कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप खुद का या अपने फैमिली मेंबर का एक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में खुलवा लें और उसका आधार लिंक करवा लें। उसके बाद में आप यहाँ पर उसका आधार नंबर डालना है। आप अगर आपका खुद का सेविंग अकाउंट है वो आधार से मैप है तो आप अपना ही रखिए ताकि आपको पेमेंट विड्रॉल करने में कोई दिक्कत ना हो। और आपका अगर खुद का नहीं है तो आपके घर में फैमिली मेंबर का किसी का भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर अमाउंट लिख देना है। मैं यहाँ पे 20,000 अमाउंट लिख देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 20,000 हो गया। फिर आपको यहाँ से सबमिट कर देना है, फिर यहाँ से ओके कर लेना है, फिर इसको ओके कर लेना है। उसके बाद में आपको एजेंट फिगर लगाना है और उसके बाद में आपको अपना कस्टमर का फिंगर लगवाना है। कस्टमर का फिंगर लगते ही यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर आ रहा है और यहाँ नीचे बेनिफिशियरी आधार नंबर आ रहा है, यानी आपका या आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके भी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अब आप कस्टमर का 40,000 तक विड्रॉल कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे इस जसोल कंप्यूटर चैनल पर नए हैं तो
हमारा जसोल कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।